नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत वितरण क्षेत्र कंपनी लिमिटेड अधीक्षण अभियंता दमोह व्रत के निर्देशन में विद्युत कर्मियों द्वारा सोमवार को तहसील मुख्यालय पर एक जागरूकता बाइक रैली नगर भ्रमण पर निकाली गई। इस दौरान रैली में लोगों को जागरूक और उपभोक्ताओं का अभिनंदन करते हुए उन्हें कई महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराया। उन्होंने तख्तियां लगाकर संदेशों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। वहीं कनिष्ठ अभियंता संजय जैन सहित विद्युत कर्मियों ने नगर में प्रमुख स्थानों पर रुककर लोगों से संपर्क कर आवश्यक जानकारी ली। इस अवसर पर विद्युत वितरण केंद्र प्रभारी और कनिष्ठ अभियंता संजय जैन ने कहा कि उपभोक्ताओं को विदित है कि कोविड 19 संक्रमण काल के दौरान विद्युत विभाग की राजस्व वसूली न हो पाने के कारण आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ा है, जिसके कारण अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप सभी के सहयोग पर हमारी आर्थिक सुदृढ़ता निर्भर है। उन्होंने अपील कर कहा कि बिजली बिलों का भुगतान प्रत्येक माह समय पर किया जाए। विद्युत लाइन और ट्रांसफार्मर की खलियान रखने से आगजनी की दुर्घटना हो सकती है, इसलिए ट्रांसफार्मर को खेतों के आसपास न लगाया जाए, जिससे कि फसल से ट्रांसफार्मर की दूरी बनी रहे। विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं। इस जागरूकता रैली में केंद्र प्रभारी संजय जैन, भाजपा मंडल अध्यक्ष जिगुल शर्मा, विधायक प्रतिनिधि सहारा ठाकुर, तिलक सिंह, नयन जैन, विद्युत कर्मियों में सुरेश साहू, बलदेव प्रसाद, गोपाल सोनी, संदीप पटेल सहित बड़ी संख्या में विद्युत कर्मियों ने वाहन रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। आज जनजागरण रैली का आयोजन किया गया है। ये रैली संदर्भ में है कि उपभोक्ता बिजली का भुगतान समय पे करे, दूसरा विद्युत चोरी पे अंकुश लगाने के लिए जनजागरण रैली करी गई है, और तीसरा आजकल गर्मी का सीजन प्रारंभ हो गया है तो उपभोक्ता अपने फसलों को लाइन से दूर रखें, सभी को प्रेरित करने के लिए कि बिल समय पे जमा हो और विद्युत चोरी पे नियंत्रण हो, उसकी प्रवृत्ति से बचे, इसलिए जन जागरण का आयोजन किया।